तो गाइज आप सब जानते हैं कि जॉन सीना नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 39 में हमें परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कि आखिर किस सुपरस्टार को जॉन सीना रेसलमेनिया में फेस कर सकते हैं। लिस्ट में सबसे ज़्यादा ऊपर नाम चल रहा है ऑस्टिन थ्योरी का, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से WWE प्लान कर रही थी कि ऑस्टिन थ्योरी वर्सेज जॉन सीना का मैच नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया में करवाया जाए, लेकिन अब ऐसा नाम सामने आ चुका है जो कि जॉन सीना को मे बी नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में फेस कर सकता है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लोगन पॉल के बारे में। तो आखिर क्यों लोगन पॉल वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि जॉन सीना को नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में फेस कर सकते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो गाइज आप सब जानते हैं जितने भी WWE में सेलिब्रिटी सुपरस्टार रेसल करने के लिए आते हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ खास नहीं रहती, लेकिन लोगन पॉल के बारे में खास बात है, और वो क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। जो उन्होंने अपना पहला मैच रेसल किया था रेसलमेनिया में, टैग टीम मैच हुआ था, वो भी काफ़ी बढ़िया था। उसके बाद मिज के अगेंस्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और इसी क्राउन जूल में अगेंस्ट रोमन रेंस उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। फैंस को भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, और लोगन पॉल पर अब कोई भी डाउट नहीं कर रहा। सबको ऐसा लगता है कि लोगन पॉल का आगे WWE करियर काफी बढ़िया होने वाला है। और खास बात यह भी कि लोगन पॉल ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, यानी कि वो WWE सुपरस्टार हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है आने वाले काफी लंबे टाइम तक लोगन पॉल WWE में रहेंगे, और WWE हो सकता है उन्हें नेक्स्ट बिग सुपरस्टार बनाने का भी ट्राई करे। और लोगन पॉल के पास एक काफी बड़ा एडवांटेज यह भी कि वो एक यूट्यूबर है, सोशल मीडिया स्टार है, तो उनके पास फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। और अगर आपकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है तो आपको WWE में पुश जरूर मिलेगा। और लोगन पॉल ने WWE को काफी फायदा भी करवाया है। रिसेंटली क्राउन जूल के राउंड जो सर्चेज हुए थे, लोगन पॉल के राउंड काफी ज्यादा सर्च किया था WWE फैंस ने, तो इससे पता चलता है कि लोगन पॉल को देखने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया हॉलीवुड से होगी, यानी कि WWE को यहाँ पर बिग सुपरस्टार चाहिए, बड़े मैचेस चाहिए। रोमन रेंस एंड द रॉक का अगर मैच होता है तो WWE को एक नाइट पर एक और बड़ा मैच चाहिए, और लोगन पॉल एंड जॉन सीना का मैच वो बड़ा मैच हो सकता है, क्योंकि जॉन सीना कितने पॉपुलर सुपरस्टार हैं बताने की जरूरत है नहीं, अब तो वो काफी बड़े हॉलीवुड स्टार भी बन चुके हैं। और दूसरी तरफ लोगन पॉल है जिनकी WWE परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त जा रही है, इसके अलावा वो सोशल मीडिया के भी काफी बड़े स्टार हैं। और अगर आप ऑन पेपर भी जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच कंपेयर करोगे तो ज्यादा लोगों की आई बॉस जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल के मैच पे आएंगी, जो कि WWE को अल्टीमेटली चाहिए भी। तो इस वजह से मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच अगर WWE करवाती है तो ये काफी कमाल का मैच हो सकता है, और इससे WWE को काफी ज्यादा अट्रैक्शन भी मिलेगी। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो आपके हिसाब से जॉन सीना को कौन फेस करेगा नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में। और आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।